रात का आंचल लहराया, जिसने सारे माहौल को अपने कालेपन से ढक लिया। सारी दुनिया नींद की सुनहरी वादी में खो गई। चारों तरफ खामोशी है। इस सन्नाटे में ताजमहल अपनी खामोश आवाज में कुछ कह रहा है। मोहब्बत का वो लाजवाब अफसाना जो रहती दुनिया तक सुना जाता रहेगा। अचानक चांद बदली से निकल आता है। ताजमहल की खामोशी टूट जाती है। आज पूनम की रात है, वो रात जो रूहों के मिलन की रात कहलाती है। ना मालूम कितनी बिछड़ी हुई आत्माएं एक दूसरे से मिलने को बेकरार हैं। जमुना नदी के बल खाते पानी पर एक कश्ती लहराती हुई दिखाई देती है, जो धीरे धीरे ताजमहल की तरफ बढ़ रही है। अचानक ताजमहल पर एक साया लहराया जो बेचैनी से कश्ती का इंतजार कर रहा है। उसकी बेचैनी बढ़ती जाती है, तभी उसके आसपास कुछ और साये जमा हो जाते हैं और फिर एक दर्द भरी आवाज ताजमहल के ख्वाबनाक माहौल में गूंज उठती है। चल रात का लहराए और सारा आलम सो जाए, तुम मुझसे मिले, शम्मा जला कर ताजमहल में आ जाना, ताजमहल में आ जाना। जब आंचल रात का लहराए और सारा आलम सो जाए, तुम मुझसे मिले, शम्मा जला कर ताजमहल में आ जाना, ताजमहल में आ जाना। ताजमहल जो चाहत की आंखों का सुनहरा मोती है, ये ताजमहल जो चाहत की आँखों का सुनहरा मोती है। हर रात जहाँ तो रूहों की खामोशी जिंदा होती है, खामोशी जिंदा होती है। इस ताज के साए में आके गीत वफा का दोहराना, तुम मुझसे मिले, शो
जाना। ताजमहल में आ जाना। तन्हाई है जागी जागी सी, माहौल है सोया सोया हुआ। तन्हाई है जागी जागी सी, माहौल है सोया सोया हुआ। जैसे के तुम्हारे ख्वाबों में खुद ताजमहल हो खोया खोया हुआ। हो ताजमहल का ख्वाब तुम्ही, ये राज न मैंने पहचाना। तुम मुझसे मिले शम्मा जला कर, ताजमहल में आ जाना। ताजमहल में आ जाना। कहते हैं जुनू इश्क जिसे रुकता है कहां तलवारों से। कहते हैं जुनू इश्क जिसे रुकता है कहां तलवारों से। तुम देर न करना आने में, डरना न कहीं दीवारों से। डरना न कहीं दीवारों से, देखेगा तुम्हारी राह यही। हर रोज तुम्हारा दीवाना, तुम मुझसे मिले शम्मा जला कर, ताजमहल में आ जाना। ताजमहल में आ जाना। जब आंचल रात का लहराए और सारा आलम सो जाए, तुम मुझसे मिले शम्मा जला कर, ताजमहल में आ जाना। ताजमहल में आ जाना। जब आंचल रात का लहराए और सारा आलम सो जाए, तुम मुझसे मिले शम्मा जला कर, ताजमहल में आ जाना। ताजमहल में आ जाना। ओ ला 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 ला।
फिर ये आवाज दूर होती गई। ताजमहल खामोशी में डूब गया, भयानक खामोशी। लेकिन ये खामोशी पुरसुकून थी। ऐसा लगता था मानो आत्माएं सो गई हों। लेकिन कोई नहीं जानता कि ताजमहल की जागती खामोशी में क्या क्या कहानियां जन्म लेती हैं और जन्म लेती रहेंगी। कितनी ही बेचैन रूहें अपने पिछले जन्म के ना मिलने की तड़प से मजबूर होकर ताजमहल से फरियाद करती हैं। शायद इसलिए कि ये मोहब्बत का गुलशन है, यहाँ दो प्रेमी गहरी नींद सो रहे हैं। लेकिन ताज इनसे यही कहता लगता है कि मैं तुमसे ज्यादा बेबस हूँ। तुम्हारे लिए आंसू तो बहा सकता हूँ, तुम्हारे तड़प को महसूस करके भी तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं।